राम रखवन पेंशन दूंगा। अरे मेरे भाई, बड़े भाई, हमारे महा सेवक सेवक ना प्रधान सेवक जी कहां गए आपके वो बोल, बड़े मीठे लगे थे हमको, हम आपकी कुचल में आ गए, आपकी बातों पे यकीन कर लिया। सैनिक सीधा साधा होता है भाई, हम तो आखिरी 200 गज के अंदर दुश्मन की एमएमजी और मेरी छाती के बीच में कुछ नहीं होता भाइयों, सिर्फ हवा होती है हवा। और मैं गोली खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, गोली खाता ऐसी इंसान के साथ। अरे आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब जी बोलते हैं, और हम पॉलिटिशियन जो है, हम जो वायदे करते हैं इलेक्शन के टाइम के अंदर, वो कोई पूरे करने के लिए थोड़ा होती है कोई। अरे अरे ऐसे लोगों के पास आप गवर्नेंस उनको दे रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो पहले वाले ठीक थे, पहले इससे भी खराब थे। भाइयों, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता, पर इस देश को अगर बचाना है तो इस पार्लियामेंट से कल से जनरेट जो है ये रीजनरेट करेगा पूरा हिंदुस्तान। हम जो पीछे पड़ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अपने फौजियों को धन्यवाद भैया, जो ये बोल रहे हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, क्या हम इंसान नहीं है इस देश के? जिस दिन हमने शुरू किया 5 सितंबर से पहले, ये सरकार जिन्होंने बनाई है उनकी पार्टी वाले आके टीवी पे बोलने लगे 3-4 आदमी कि सतबीर सिंह साहब लिख के दे